मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमने सभी जगह कहा है, जिलाधिकारियों से भी कहा है, जहां आप इतने हजारों हजार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो शहर भी हमारा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हर कार्यक्रम में, हर चीज में हमारी सबकी भी सहभागिता होनी चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे उत्तराखंड बढ़ रहा है। आज चाहे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की बात करिए, चाहे G20 के हमारे कार्यक्रमों की बात करिए, चाहे हमारे जितने देव स्थान हैं, चाहे चारों धामों के आने वाली यात्रा की बात करिए, चाहे आज सड़कों के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की बात हो, आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हो रहे थे उन कामों में जिस प्रकार से तेज गति से अब काम होना प्रारंभ हुआ है, सारे शहर हमारे बन रहे हैं, बिजली की लाइनें भूमिगत हो रही हैं, सीवर लाइनें बन रही हैं, सारे काम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। ये कथन उनके जहाँ हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, हमारे अंदर एक प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं हमको एक हमारे अंदर जो कर्तव्य का बोध है कि वास्तव में हमको क्या काम करना है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उत्तराखंड के एक नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, इस ओर भी हमको कहीं ना कहीं इंगित करते हैं, हमारे कर्तव्य बोध का बोध कराकर काम करने की ओर प्रेरित करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और जैसा धन सिंह जी ने कहा कि वास्तव में अब हमारा ये जोश, अब बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और वैसे तो कल आप सुन ही रहे थे मोदी जी का भाषण लोकसभा में, किस प्रकार से उन्होंने देश की अब की बार तो हम लोगों को जो है, हमारे यहाँ से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5ों लोकसभा की सीटें 5-5 लाख के अंतर से हमने जिताकर भेजनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ से आह्वान किया है, और हम लोग जो भी काम हमको पार्टी देगी, पार्टी ने सबके लिए काम निर्धारित किए हैं, गांव-गांव तक जाना है, हर अभियान चल रहे हैं हमारे, इतने कार्यक्रम हैं, एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम तैयार बैठा होता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि कोई कार्यक्रम वो कम नहीं करते, एक कार्यक्रम समाप्त होता है दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। तो मेरी आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और ये बधाई केवल हम लोगों को नहीं है, ये बधाई आपको भी है, समूचे उत्तराखंड को है, जिन्होंने एक रास्ता बनाने का काम किया है, एक मार्ग दिखाने का काम किया है, हमने इसको लागू कर दिया। हमारा ये अपेक्षा रहेगी पूरे देश के अन्य राज्यों से भी, सभी राज्य अपने अपने यहाँ हैं, समान नागरिक संहिता मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए इसको लागू करें। एक समान जो संविधान की भावना थी, उस संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देने का काम करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।